पिछले महीने गेहूं के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध लगने के बाद दुनिया के सबसे बड़े अनाज आयातकों में से एक इंडोनेशिया और बांग्लादेश सहित 5 इस्लामिक देशों ने गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत से अनुरोध किया है। आपको बता दें कि ये ऐसे देश हैं जहां पैगंबर मोहम्मद विवाद के बाद प्रदर्शन हुए थे। आपको बता दें कि भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से गेहूं निर्यात के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार गेहूं की उनकी जरूरतों और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन कर रही है। इसके बाद इन देशों को कितना गेहूं निर्यात किया जाएगा, इस पर भी फैसला होगा। बीते 13 मई को भारत ने निर्यात पर रोक लगाते हुए कहा था कि वह अपने पड़ोसियों और जरूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात करता रहेगा। हाल में ही भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं निर्यात करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 12 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जंग छिड़ी हुई है। दुनिया भर में खाद्य संकट पैदा हो गया है, क्योंकि दोनों देशों में गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। युद्ध की वजह से दोनों देशों से होने वाले गेहूं का निर्यात भी बाधित हुआ है। इससे उन देशों को गेहूं की कमी महसूस हो रही है जो रूस और यूक्रेन से गेहूं आयात करते थे। IMF के मुताबिक यूक्रेन युद्ध से शुरू होने के बाद लगभग 30 देशों ने खाद्यान्न और ईंधन सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।